प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की सराहना की। वे अपनी विदेश यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने शनिवार को कहा कि चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम की सतह पर जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा और चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जिस स्थान पर चंद्रयान ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग की यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक तरफ कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी कार्यक्रम बनाने की कोशिश बता रहे हैं तो वैज्ञानिक पीएम के दौरे से काफी उत्साहित हैं। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने गए, देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये गर्व की बात होती अगर ये रोड शो उन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। पीएम का रोड शो राजनीति से प्रेरित था। तो आइए आप भी सुनिए कांग्रेस नेता विजय ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। नहीं, नामकरण में तो बीजेपी बहुत वस्ताद है, उसका एडवांटेज कैसे लेना क्या लेना ये उनके दिमाग में हमेशा होता है। राज सवाल की वैज्ञानिकों को मिलने के लिए पंतप्रधान जी गए, उनका निश्चित रूप से हमें अभिमान है और हम आनंद व्यक्त करते हैं कि वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए देश के पंतप्रधान ने जब बाहर थे। पर जाने के बाद में रोड शो क्यों किया? तो चंद्रयान के पीछे राजनीति भी छुपी है क्या? चंदा मामा आओ, चंदा मामा छुप के बोलते ना, तो वो छुप छुप कर इसके पीछे चंद्रयान के पीछे राजनीति का भी मकसद हो सकता है। अगर ये रोड शो वैज्ञानिकों के साथ में होता तो बड़ी गर्व की बात होती, जिन्होंने अपने मेहनत से कष्ट से दिन रात जागकर ये अभियान यशस्वी किया और उसका यशस्वी लैंडिंग किया, तो इसके बारे में हमें गर्व है। पर ये जो रोड शो है ये राजनीति से प्रेरित है। वहीं इसरो के CBPO निदेशक सुधीर कुमार एन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंचते ही व्यक्तिगत रूप से यहां आए। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहते थे, इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 पॉइंट को तिरंगा का नाम दिया। उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। ये सफलता का जश्न मनाने के लिए है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रख सके। तो आइए आप भी सुनिए सुधीर कुमार एन ने अपने बयान में आगे क्या कुछ कहा। No words to say, because such a Prime Minister of India coming personally, that too, as soon as he landed in India, he said that he is directly coming here, he wants to see us at the earliest moment. So more than that, what we expect. When it was failure in the Chandrayaan 2, he also visited and consoled you. This is the happiest moment, now also Prime Minister came and he announced many things. Yeah. Shiv Shakti, yes. And many other things. So what do you say to that, sir? Yeah, obviously, because he has named it Chandrayaan 3 point as Shivashakti point, Chandrayaan 2 point as Tiranga, and he has announced it 23rd August as the Indian's National Space Day. Okay, this is only to just commemorate the achievements and the commemorate the success, so that next generations will always remember that we had done it on that day. Most of your staff were very much happily watching Prime Minister. Very much excited, very much because of this probably restrictions and other things, we could not accommodate many people. But across all the centers of ISRO, they were enjoying jubilant mood, and it is a day to celebrate. Sir, आपको कैसा लगा आज Prime Minister direct से यहाँ पे आए, आपसे मिले, बात की और आपको congratulate? बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यूनान की राजधानी एथेंस से सुबह करीब 6 बजे सीधे बेंगलुरु पहुंचे ताकि वो चंद्रयान 3 मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों से मिल सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।